एल्बो का फ्रैक्चर हो जाना, या तो प्लास्टर लग के रहता है और बाजू ऐसे रखी जाती है, वायरिंग होती है, और है कि एल्बो जो जॉइंट है वो काफ़ी स्टिफ हो जाता है, और उसके बाद उसको जो खोलना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ना मूवमेंट ऐसे हो पाती है ना ऐसे हो पाती है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आफ्टर ऑपरेटेड या पोस्ट रिहेबिलिटेशन जिसे हम कहते हैं, एल्बो का फ्रैक्चर हो जाना या ऊपर या नीचे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, उसके बाद या तो प्लास्टर लग के रहता है और बाजू ऐसे रखी जाती है, या कोई वायरिंग होती है, और उसके बाद जब वो महीना डेढ़ महीना बाजू ऐसे रहती है, चाहे वो आफ्टर ऑपरेटेड हो चाहे आफ्टर प्लास्टर हो, तो उसमें क्या होता है कि एल्बो जो जॉइंट है वो काफ़ी स्टिफ हो जाता है, और उसके बाद उसको जो खोलना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ना मूवमेंट ऐसे हो पाती है ना ऐसे हो पाती है। ये युवराज सिंह हैं, हमारा पेशेंट है, जो लगभग पिछले हफ्ते 10 दिन से हमारे पास आ रहा है, और जिस दिन ये फर्स्ट डे आया था हमारे पास, तो इसकी बाजू थी वो बिल्कुल ऐसे या ऐसे मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। तो उसके साथ साथ हमने इसकी मूवमेंट को भी, जहां हमने प्रॉपर करने का काम किया है, उसके साथ साथ इसके मसल हैं वो भी मजबूत करने का काम किया है। तो दोस्तों, इसमें रहता क्या है, इसमें बेसिकली चार मूवमेंट होती हैं। एक फ्लेक्शन होती है जिसमें हमें एल्बो को बेंड करना होता है, एक एक्सटेंशन होता है जिसमें हमने एल्बो को सीधा करना होता है, एक सुपरनेशन होता है और एक प्रोनेशन होता है। तो ये चारों जो मूवमेंट हैं वो हमने प्रॉपर करनी होती है, उसके साथ साथ रिस्ट की मूवमेंट को भी हमने प्रॉपर करना होता है। तो दोस्तों, ये जो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, उसमें हमने युवराज सिंह की जो ये एल्बो है, इसको अब तो जैसे काफ़ी रिकवर हो चुकी है, लेकिन अभी लास्ट पॉइंट पे इसको पेन महसूस हो रहा है, तो उसके लिए हम पहले इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टावल लेंगे और एक टावल को बिल्कुल एल्बो के नीचे लगा के, उसके बाद हाथ से, अपने हाथ से, एक हाथ ऊपर की तरफ और एक हाथ नीचे की तरफ, इसको हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। खींचने के बाद इसको होल्ड रखेंगे। होल्ड रखने के बाद 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 रखने के बाद हम इसे बिल्कुल ईजी छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको यही सेम है कि जैसे हमने इसको बेंड करना है, अभी बेंडिंग इसकी कंप्लीट नहीं है, बेंडिंग अभी काफ़ी कम है, तो बेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि रिस्ट के बिल्कुल ऊपर हाथ रहेगा और एक एल्बो जॉइंट के बिल्कुल पास अंदर की तरफ हाथ रहेगा, उससे हम इसको स्ट्रेच करेंगे। उस स्ट्रेच करने के बाद हम इसे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर हम इसे छोड़ देंगे, और ये एक सुपरनेशन एक्सरसाइज रहेगी, एक प्रोनेशन एक्सरसाइज रहेगी, ये भी रहेंगी। तो ये दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप करवा सकते हो। हाँ, अगर आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो दोस्तों आप घर पे भी कर सकते हो। उसके लिए मैं अभी, अब वीडियो में बने रहें, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने घर पे एक्सरसाइज ये कैसे करनी है। तो दोस्तों, घर के लिए जो आप एल्बो के लिए एक्सरसाइज करोगे, उसके लिए क्या करोगे, आप ऐसा एक टेबल ले लोगे, एक स्टूल हो या चेयर हो उसके ऊपर बैठ जाओगे। उसके बाद हाथ को आपने ऐसे रखना है, क्योंकि बैंड नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में हाथ। ऐसे रखने के बाद अपने दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करनी है। ऐसे सीधा करोगे और इसको आप यहाँ पे रोकोगे 10 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 10 काउंट करने के बाद आप इसको बिल्कुल वापस अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ की हेल्प से ऐसे यहाँ पे भी ला सकते हैं और यहाँ पे भी लाने की कोशिश कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और वही सेम आप 10 काउंट करोगे। 10 काउंट करने के बाद आप फिर इसको ढीला छोड़ दोगे। आप ये कर सकते हो, इससे आपके एल्बो की बेंडिंग की एक्सरसाइज और एक्सटेंशन की एक्सरसाइज दोनों हो जाएंगी। उसके बाद आपने सुपरनेशन प्रोनेशन के लिए क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है। ऐसे बैठने के बाद आप अपने हाथ को, जो हाथ बिल्कुल ठीक है, उसकी हेल्प से दूसरे रिस्ट को आप घुमाने की कोशिश करोगे जो नहीं घूम रहा, ऐसे घुमाओ घुमाओगे 10 सेकंड, नहीं तो 5 सेकंड होल्ड कर सकते हो। उसके बाद ये घुमाओगे, 5 सेकंड होल्ड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप इसको होल्ड नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे मूव करते रहोगे। उसके बाद आप इसे होल्ड करना शुरू कर दोगे, और उसके बाद दोस्तों क्या आपने क्या करना है कि दोनों हाथों को ऐसे रखने के बाद आप जैसे बैठे हैं चेयर पे,
तो अपने हाथ को ऐसे, जैसे मेरे इस हाथ में दर्द है, ये मेरी बात जो सीधे नहीं हो रही, मैंने ये ठीक है तो इसकी हेल्प से मैंने इसको ऊपर खींचना है। ऐसे ऊपर खींचने के बाद इसको 10 सेकंड होल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर मैंने इसको बिल्कुल इजी वापस अपनी गुद्दे की तरफ हाथ को लेके आना है पीछे। उसमें क्या रहेगा कि आपके एक्सटेंशन भी हो जाएगी और बेंडिंग भी हो जाएगी, दोनों एक्सरसाइज से होती रहेंगी। उसके बाद एक एक्सरसाइज दोस्तों आप और कर सकते हो इसमें, जैसे आप बैठे हो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे बैठ के, ऐसे बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा करोगे, ऐसे दोनों हाथों को मोड़ने की कोशिश करोगे। जैसे मेरे इसमें पेन है तो मैं इसकी हेल्प भी ले सकता हूँ, इसकी हेल्प से भी इसको सीधा कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये हैं कुछ एक्सरसाइज जो आप घर पे भी कर सकते हैं। हमने पहले वैक्स बाथ यूज़ किया, पहले वैक्स बाथ किया उसके बाद एक्सरसाइज की। आपके पास वैक्स बाथ नहीं होगा घर पे तो आप वैक्स बाथ को अवॉइड कर सकते हो। हाँ, लेकिन दो तीन चीज़ों का आपने और ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो आप ज़्यादा सेकाई नहीं करोगे घर पे, दूसरा तुरंत बाद, जैसे कि प्लास्टर आपका या ऑपरेट अभी 2-4 दिन हुए हैं उसके तुरंत बाद आप बहुत ज़्यादा सेकाई नहीं करोगे, और मालिश बिल्कुल नहीं करोगे। कोई जेल है, कोई ऑयल लगा के उसकी मालिश नहीं करोगे, मालिश से आपको बचना पड़ेगा। और इन दो दो तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। दूसरा क्या है दोस्तों कि जैसे आपकी एल्बो नहीं काम कर रही है, उसके लिए आप इजी इजी एक्सरसाइज करोगे, कोई जर्की मोमेंट नहीं होनी चाहिए। एकदम से हम इसको सीधा ऐसे नहीं कर सकते या खींच के भी सीधा नहीं कर सकते, उससे क्या होगा कि एल्बो एरिया में काफ़ी स्वेलिंग बढ़ जाएगी और ज्वाइंट है जो वो स्टिफ हो जाएगा, जो कैप्सूल है वो रोटेट नहीं होगा, घूमेगा नहीं, तो उससे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। अगर आपको स्वेलिंग भी है तो आपको एक्सरसाइज से पहले स्वेलिंग कम करने की तरफ जाना चाहिए। स्वेलिंग कम करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, आप आइसिंग कर सकते हो, बर्फ़ लगा सकते हो, हल्के हल्के 2-3 बार दिन में बर्फ़ अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो एल्बो स्टिफनेस के अबाउट। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।